क्या तुम भी ये चाहते हो कि तुम्हारी ये जो बेसुकूनी है ये सुकून में बदल जाए? चलो पहले तो तुम्हें ये बताता हूँ कि तुम इतने बेसुकून हो क्यों। क्योंकि हम खुद को लोगों के पीछे भगा भगा कर थका देते हैं और लोग फिर भी हमसे राजी नहीं होते, फिर भी उन्हें हमसे शिकवा शिकायत होती है। हम लोगों के लिए इतना कुछ करते हैं और फिर बस एक गलती की देर होती है, सालों पुराने ताल्लुक रिश्ते सेकंड्स में ख़त्म हो जाते हैं, लेकिन हम फिर भी नहीं संभलते। मुश्किल वक्त आ जाए, कोई प्रॉब्लम आ जाए तो पहले हम लोगों के पीछे भागते हैं, उनसे मदद मांगते हैं, उनसे मशवरे लेते हैं, और फिर वही लोग जिनके लिए हम क्या क्या कुछ नहीं किया करते थे वही हमारी आंखें खोल कर चले जाते हैं। और फिर इस पर भी हम अल्लाह से शिकवे शिकायत करते हैं, अपने नसीब का रोना रोते हैं, नसीब से शिकवा करते हैं कि हमारी ज़िंदगी में ऐसा क्यों है। मेरी बात सुनो, ये सब हम खुद ही अपने साथ करते हैं, वरना अल्लाह तो इतना मेहरबान है फिर भी वो हमारा भला ही चाहता है। हम ही लोगों के पीछे भाग भाग कर अपनी बेकदरी करते हैं, अपना सब कुछ गवा देते हैं और फिर भी सिला कुछ नहीं मिलता, क्योंकि हम सिले की उम्मीद अल्लाह से नहीं उन लोगों से रखते हैं। तो सुनो, अब अगर मुश्किल वक्त आ जाए तो पहले उस रब के दर पर हाजिरी देना, उसे पुकारना, उससे मदद मांगना, क्योंकि जितने प्यार से वो सुनता है ना कोई नहीं सुन सकता। और फिर जब आप फकत उसी जात से मांगना शुरू कर देते हैं तो वो आपके लिए वहां वहां से वसीले बनाता है जहां से आपको गुमान भी नहीं होता। और फिर देखिएगा उसे बताकर कैसे बेसुकूनी आपकी सुकून में बदलती है।